सो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज़ योर बॉय अरियान खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार सबसे पहले सब भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज ईद का पहला दिन है और अभी इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 8, और रात से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि नमाज भी पुराने कपड़े पहन के गया कि ख़राब हो जाएंगे। सारी बात यार इतना पानी था, नमाज पढ़ी उसके बाद वापस आ गए, शुक्र है वो नमाज के दौरान जो है वो बारिश नहीं, पानी बहुत ही ज़्यादा था। तो यार अभी जो है वो बैठा नीचे है और अभी पता नहीं ज़बा करने वाले कब आते हैं, तो देखते हैं क्या सीन होता है सारा। मौसम दिखाऊंगा अभी अभी ये इसके बाद, बल्कि देख लो ये देखो कुछ ऐसा, ये देखो ये अभी ये कुछ जो है वो आसमान क्लियर हो गया, देखो ऐसे ही सीन था बस। बारिश मैंने ना, मैं रात को सोया हूँ 3 बजे, शायद 3:30 बजे उस वक्त ही मैं हाथ धोने गया हूँ अंदर, बारिश शुरू की थी ऊपर फाइबर पे पानी गिर रहा था, मैंने कहा लो भी बारिश शुरू की है, और बारिश बाकी बहुत तेज़ शुरू हो गई थी उस वक्त। खैर क्या कर सकते थे, मैंने फिर मैं सो गया और वो सुबह तक बारिश होती रही और पानी अच्छा भला खड़ा हुआ सड़कों पे। तो ठीक है यार, अब जो भी होगा ईद के दिन आपको दिखाऊंगा, साथ साथ हो गए काफ़ी काम होंगे तो साथ साथ देखना आप भी। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेट्स गो। जो सारी जगह है उसको साफ़ कर दिया और अपना रहना अभी तक जबान नहीं हुआ, जिन्होंने करना वो भी नहीं आए, तो ये इधर ही खड़ा हुआ है और लस्सी सीना चारा डाला है। अभी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी कम है, चौकट वो कम है, जिसकी वजह से वो अभी खा नहीं रहा। तो अभी एक भाई को भेजा चौकट लेने के लिए, थोड़ी और चौकट में नाम मेरा मुझे मिक्स हो जाता है, तो पता नहीं देखें कब तक आते हैं। पहले 9:30 का, फिर 10:30, फिर 11:30, तो 12 बजते हैं और अभी तक क्या नहीं है, तो देखते हैं यार क्या सीन है, कब तक आते हैं, कब सारा कुछ होता है। ठीक है मिलता हूँ बाद। माशाल्लाह जी कुर्बानी हो गई है, इस वक्त टाइम हो रहा है शाम के 3:30 और अभी सिर्फ खाल वगैरह उतर रही है, वो पाए वगैरह अलग हो गए हैं। यही है यार सीन। असल में जिनसे हमने पहले करवाना था वो पहले सुबह 6:30 कह के पहुँचे ही 9:30 यहाँ मदरसा अगर, और उसके बाद हमने फ़ोन करना शुरू किया। मैं पहले कहते 10:30, 10:30 से फिर कहते 11:30, या उसके बाद हमने कोई 1:30 बजे फ़ोन किया तो कहते आधे घंटे में आ रहे हैं, अब 2:30 बज गए तो नहीं आए। फिर हम जिनसे पहले करवाते हैं हमारे नेबर्स में, तो फिर हमने उन्हीं से ही बात की तो कहते कोई मसला नहीं है आप आ जाएँ, हम आ रहे हैं 10 मिनट में। वो खाना खा के 10 मिनट में आ गए और ज़बा आराम से हो गया, बहुत ईजीली ज़बा हुआ, कोई मसला ही नहीं था। बहुत शरीफ तरीका था, बहुत ही ज़्यादा शरीफ था, मतलब बहुत ज़्यादा, मैंने ऐसी लाइफ मैंने इतना शरीफ पर जाना नहीं देखा कि इतना शरीफ। अच्छा तो ठीक है, बस यही बताना था। बाकी यार ठीक है, मिलता हूँ फिर मैं आपसे बाद में, अभी गोश्त वगैरह बनेगा तो वो भी दिखाऊँगा, चलो मिलता हूँ बाद में। बन गए गोश्त और बन रहा है गोश्त, भैया लग लगे रहे हैं भाई उधर, तो भाई सारा गोश्त वगैरह के वो बांध के फर्क हो गया है और अब तो सफाई करने का भाई, तो सफाई करने के लिए कम फोन में प्रोवाइजर और हाई क्लास का काम अगर बना सका तो ठीक है। अब गोश्त वगैरह सफाई वगैरह करते हैं
शाम के 8:04 और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं अंदर से गिराज वगैरह जो है सारा साफ़ करके हटाऊँ, अब मैं धोने लगाऊँ गाड़ी क्योंकि पानी वगैरह अच्छा से आ रहा है और पानी का प्रेशर अच्छा है तो गाड़ी भी अच्छे से धुल जाएगी। मैंने असल में कल धोनी थी गाड़ी, लेकिन उसकी वजह ये हुई कि कल मुझे हिंट मिल गया था कि बारिश का मौसम है और बाकी कल रात से जो बारिश होना शुरू हुई, सुबह ईद की नमाज के बाद तक बारिश होती रही कहीं कहीं जगहों पर, बट पानी वगैरह काफ़ी खड़ा हुआ था, तो फिर अब मैंने कहा अच्छा ही किया नहीं तो, लेकिन अब जो है वो आसमान ठीक है साफ़ है, नहीं है कोई मसला नहीं है, अब धो देंगे क्योंकि गंदी हो रही है काफ़ी, तो बेटर है कि अच्छी तरह एक दफ़ा ज़रा धुल जाए। अंदर से कल मैंने वैक्यूम मार दिया था लेकिन बाहर से नहीं धोई थी मैंने, सिर्फ मुझे ये शक था कि यार बारिश हो जानी इसलिए मैंने नहीं धोई थी, मेहनत ज़ाया नहीं की मैंने, तो ठीक है अब चलता हूँ मैं अंदर, अंदर जाके भी आपको मैं दिखा दूँगा, तो अभी जिस पहले गाड़ी धोएंगे फिर अंदर जाएंगे, तो पहले चलो फिर मैं गाड़ी धोता हूँ अपने नाम से। अपना किचन और यहाँ पे जो सारा गोश्त है वो जो है वो फ्रीज़ हुआ हुआ है, काफ़ी जो है वो बांट दिया था और काफ़ी जो है वो भी फ्रीज़ है, ये वाला फ्रिज है और यहाँ पे भी फ्रिज पे भी थोड़ा बहुत जो है वो गोश्त जो है फ्रीज़ हुआ हुआ है। तो यार ऐसे में सीन पता क्या है, सीन ये है कि यार जो मेन रीज़न थी ना वो सिर्फ ये थी कि मैंने ईद के पहले दिन जब गाड़ी वॉश की उसके बाद मेरे में ना हिम्मत नहीं रही बिल्कुल भी कि जो ना मैं दोबारा कैमरे के आगे थोड़ा बोलूँ, थक गया था और उसके बाद एक तो काम पे वो करने चला गया था, तो मैं उस दिन रात को आया था तकरीबन 12:15 घर फर्स्ट डे को, उसके बाद मैंने सेकंड डे कुछ नहीं किया, ठीक है सेकंड डे सारा दिन घर पे रहा मैं, सेकंड डे मैं सुबह रिलेटिव्स के घर गया था, उसके बाद मैं दोस्त की तरफ गया था, सेकंड डे भी घर पे नहीं था, लेकिन वो व्लॉग करने का मैंने नहीं दी कि मैंने सेकंड डे नहीं किया, और आज भी मैं सारा दिन बाहर था, उस वक्त टाइम हो रहा है रात के 12:15 और बस इस व्लॉग को एंड करूँ। आज सुबह मैंने व्लॉग डाला है जिस दिन मैं कुर्बानी नहीं किया था, संडे को व्लॉग बनाया था, ठीक है, और वो ईद इसकी रात चांद रात तक व्लॉग चलाया, चांद रात को एंड किया। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि आपने काफ़ी लेट कर दिया व्लॉग ये वाला, तो उसकी कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से मैंने किया, क्योंकि वो मैं रीजंस बताना नहीं चाहता, बस कुछ रीजंस थे, तो ठीक है ये वाला व्लॉग जो है गोश्त वगैरह जो था वो सारा रीज़न में है, बाकी जो जितना बांध सकते थे बांध दिया आधा से ज़्यादा भाई, ऑलमोस्ट थर्ड बाय फोर्थ बांध लिया, सिर्फ एक साइड का ऐसा थोड़ा बहुत खुद रखा है क्योंकि कुर्बानी का गोश्त जो है ख़ुद भी खाना चाहिए, ठीक है। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिन्होंने भी कुर्बानी की अल्लाह ताला उसकी राह में अल्लाह की राह अल्लाह ताला उस कुर्बानी को कबूल फरमाए, हमारे हमने कुर्बानी की अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमाए, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की अल्लाह ताला उनको अगले साल अच्छे से अच्छा जन्मन अब अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए नसीब फरमाए। तो ठीक है अब ये ब्लॉग जो है ये भी एडिट करने लगा हूँ, ये भी इंशाल्लाह सुबह डाल दूंगा, और अगर मेरा पिछले ब्लॉग का रिजल्ट बेस्ट क्वालिटी में देखना है तो वो ऑलमोस्ट आप 1440p 60 में देखो इस ब्लॉग के लिए भी, और अगर बेस्ट देखना है वो मतलब कि ठीक है वो वाला 1080p से ऊपर देखोगे तो रिजल्ट बहुत कमाल आएगा, ठीक है 1440p पे देखो कम से कम, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा देखना है तो फिर फुल क्वालिटी देखो 2160p 60, वो तो कमाल क्वालिटी आती है ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, और सेम फॉर दिस इसके लिए भी। तो ठीक है यार ईद व्लॉग डे 1 को शुरू किया, डे 2 उसके डे 3 क्या लास्ट रात को एंडिंग, तो ठीक है उम्मीद करता हूँ मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना था कि आपको मेरा अगला आने वाला व्लॉग जल्द मिले। तो ठीक है यार मिलता हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय और स्टे सेफ।